दोस्तों, जैक अनजाने टापू पर पिछले 4 साल से फंसा हुआ है। जब जैक इस आइलैंड पर आया था तो जैक को कई दिनों तक खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला था, सिवाय ढेर सारे नारियल के। लेकिन जैक नारियल को तोड़ पाता नहीं है। जैक नारियल तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता है और फिर जाकर नारियल के पानी से अपनी प्यास बुझाता है और मछलियों को खाकर अपनी भूख। जैक आग जलाने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन लकड़ियां रगड़ने से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। लेकिन जैक हार मानता नहीं है और आग जला ही लेता है। जैक हर दिन सोचता है कि उसे बचाने कोई न कोई तो आ ही जाएगा, और इसी आस में जैक रोज मछलियां खाकर और नारियल का पानी पीकर जिंदा है। जैक को आइलैंड पर 4 साल हो गए हैं, पर उसे बचाने कोई भी नहीं आया। जैक अब इस आइलैंड पर रहना सीख गया है। समुद्र के किनारे जैक को एक दिन प्लास्टिक का कवर मिलता है, जिसे देखकर जैक अब यहाँ से निकलने की ठान लेता है। जैक लकड़ियों की एक नाव बनाकर पानी में उतर जाता है, लेकिन समुद्र की लहरें काफी तेज होती है, जिससे जैक की नाव को काफी नुकसान होता है। जैक को समुद्र में कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उसे समुद्र में और कोई दिखता नहीं है। जैक अब अपनी जीने की उम्मीद छोड़ चुका है, और तभी जैक को एक शिप की आवाज सुनाई देती है। शिप को देखकर जैक की उम्मीद अब जाग गई है और जैक काफी खुश है।